आंत भारी तो मात भारी, सिर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पेशेंट मरा जा रहा है, कमजोरी है, डॉक्टर कहेगा ग्लूकोज चढ़ा दो, इसको कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है। वीकनेस तब तक है जब तक आपके पेट में मल पड़ा हुआ है, जैसे ही मल निकल जाएगा हर तरह की वीकनेस दूर हो जाती है, चक्कर आने बंद हो जाते हैं। 3 दिन से ज्यादा आपका बुखार, जुकाम, खांसी चल नहीं सकता ये सारा ट्रीटमेंट चलाने के बाद। ये तो चेस्ट में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए तो अभी आपको स्टेरॉइड लेना पड़ेगा, और फिर वो प्राण घातक तब होता है जब हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाते हैं फ्लू के लिए, जुकाम खांसी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। 10-10, 20-20 साल से जब हम कंटिन्यू दवाइयाँ खा रहे हैं और वो रोग आपका ठीक नहीं हो रहा, तो समझ जाना चाहिए कि दवाइयों के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। दे कैन मेंटेन द डिजीज, नॉट क्योर। क्योर वर्ड एलोपैथी के अंदर है ही नहीं। बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए हम स्ट्रॉन्ग केमिकल खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं कि इससे ये बैक्टीरिया वायरस मर जाए, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी जरूर वीक हो जाएगी उन दवाइयों की वजह से, आप जीवन भर के लिए रोगी हो जाएंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से, जो कि वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल H3N2 वायरस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब आजकल खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं कि H3N2 वायरस आ गया है, तो क्या ये घातक है? वंदना जी, जुखाम, खांसी, सर्दी, कफ, कोल्ड पहले से होता आया है लोगों को, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बाद एक नया नाम दे देते हैं, एक नामकरण संस्कार अलग से हो जाता है कि अब इसका नाम ये पड़ गया है, लोगों को कैसे डराया जाए और कैसे एक महामारी बना करके या लोगों में भय फैला करके वहां से एक व्यापार चलाया जाए। मैं इसको मेडिकल माफिया के अलावा कुछ भी नहीं कहती हूँ, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है तभी क्यों ये वायरस फैलता है, जैसे ही मौसम बदलता है हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और गंदगी को बहुत तेजी से बाहर निकालना चाहती है। ये जो 2 बार नवरात्रि आते हैं मौसम बदलने पे, सर्दियों से अब गर्मियां आ रही हैं, तो जितना शरीर के अंदर संचित वात पित्त कफ है वो बाहर निकलना चाहता है और उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो जुखाम, खांसी, हैजा, उल्टी, दस्त, ये सब आना ही होता है और ये बहुत पुराने समय से होता आया है। लेकिन जिनकी कमजोर इम्यूनिटी होती है, उनके अंदर जीवनी शक्ति कम होती है, उनके अंदर ये लंबे टाइम तक चल जाता है और जल्दी से ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर में इतनी जीवनी शक्ति बची नहीं है कि आप 3-4 दिन में ठीक हो सकें। तो खांसी कई बार लंबी चल जाती है, कोल्ड कई बार लंबा चल जाता है, और ज़्यादा ओल्ड एज है जिनकी या बूढ़े हो चुके हैं और बीपी, शुगर, क्रॉनिक हार्ट के पेशेंट हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है तीव्र रोगों की वजह से। तो इसलिए उसको कह दिया जाता है प्राण घातक रोग हो सकता है, इसको तो नया नाम दे दिया। तो ये सब चीज़ें मुझे फ्रॉड लगता है पूरा का पूरा। आप प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत को समझ लीजिए, प्राकृतिक सिद्धांत को ठीक समझिए। आज एक शरीर है, एक रोग, और होता एक इलाज। पेट को साफ करो तुम, सबसे पहले कुछ दिन का उपवास करो तुम, उपवास काल में और नहीं कुछ खाओ पियो, रस, नींबू और शहद डाल पानी में पियो, रोग की टूटे, कमर दर्द कम हो जाएगा, बस्ती कर्म से पेट साफ जब हो जाएगा। सबसे पहला काम यही करो कि अंदर से डिटॉक्स कर दो, जितना भी गंद आपके सीने के अंदर, पेट के अंदर, पित्त के रूप में, सिर के अंदर, उसको सबको निकालना है, जहां कूड़ा वहां कीड़ा, कूड़े को खत्म कर दो। आपको वायरस बैक्टीरिया कभी भी खत्म करना मुश्किल है, ना आज हो पाया है ना कल हो पाएगा, लेकिन आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, आप अपने आप को साफ रख सकते हैं अंदर से, और साफ शरीर के अंदर किसी भी तरह का बैक्टीरिया वायरस अगर चला भी गया, अंदर आ भी गया इन्फेक्शन से, एक दूसरे के संपर्क से, तो अंदर खाने के लिए तो वहां पे कुछ है ही नहीं, वहां पे आपको गंदगी मिलेगी नहीं, तो बैक्टीरिया वायरस 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और बड़ा अच्छा इसका इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर, आप इसको सीख ले। जिसने भी 7 दिन का कोर्स किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में लिया होगा उसे समझ आ गया होगा कि रोग बहुत छोटे होते हैं, उनको हम दवाइयां खा करके बहुत बड़ा बड़ा बना देते हैं। छोटे छोटे बुखार, जुखाम, खांसी को हम इतना सीवियर बना देते हैं कि छोटी सी खांसी अस्थमा में कन्वर्ट होने लग जाती है,
नाक का छोटा सा जुखाम हमारा साइनोसाइटिस और ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। छोटे छोटे पेट के रोग अल्सर में, हर्निया में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे मोटे ज्वाइंट्स पेन, जोड़ों के धीरे धीरे अर्थराइटिस बन जाते हैं। बीमारी होती है बहुत थोड़ी सी, इसको हम कहते हैं एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग। जुखाम आ गया, खांसी आ गई, हैजा हो गया, उल्टी आ रही है, फोड़े फुंसियां हो रहे हैं, बुखार चढ़ रहा है, तो इन रोगों से कभी भी नहीं घबराना। ये तो प्रकृति के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। अगर ये नहीं आए तो अंदर का गंध अंदर ही दबा रह जाएगा और फिर आपको असाध्य रोग होंगे, मारक रोग जिनको बोलते हैं। सीधा डायरेक्ट हार्ट अटैक आ रहा है, लोग होने ही नहीं देते जुखाम खांसी, तुरंत गोली खा लेते हैं, पैरासिटामोल तो तुरंत खा लेते हैं। इतने साइड इफेक्ट होते हैं इन दवाइयों के, धीरे धीरे छोटे छोटे रोगों को दबाते हैं, तो ये मारक रोग असाध्य रोगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इस साइंस को समझें हम, प्रकृति के बहुत ही सीधे से नियम है, बहुत सिंपल से इसके फॉर्मूले हैं, इसको हम जान लें। जब किसी को किसी भी तरीके का वायरस अटैक करता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए, क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? वंदना जी, सबसे पहले आपको अन्न छोड़ देना चाहिए उस समय, अन्न पका हुआ बिल्कुल बंद कर दें। फलों का रस, सब्जियों का रस, सबसे पहले आप जूस टाइप पे आ जाइए। हमारे यहाँ तो इंडोर हम लिक्विड पानी वाला वाटर फास्ट करवा देते हैं, सुबह से शाम तक 4-5 बार कुंजल करके, वमन करवा के, बस्ती क्रिया के द्वारा पट्टियाँ लगा करके, गीली पट्टी लगा करके बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाता है। और अंदर से सफाई होते ही हमारा आधा काम हल्का हो जाता है। आंत भारी तो मात भारी, सिर भारी हो रहा है, चक्कर आ रहा है, पेशेंट मरा जा रहा है, कमजोरी है, डॉक्टर कहेगा ग्लूकोज चढ़ा दो, इसको कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है। वीकनेस तब तक है जब तक आपके पेट में मल पड़ा हुआ है। जैसे ही मल निकल जाएगा हर तरह की वीकनेस दूर हो जाती है, चक्कर आने बंद हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा काम करें कि गीला टॉवल लेकर के सिर के ऊपर लपेट दें। किसी भी तरह का बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, जग भर के पानी का पिलाना है, निकालना है, इसको कुंजल क्रिया कहते हैं। कुंजल क्रिया कर लें, नीचे पेट की सफाई के लिए एनीमा का इस्तेमाल कर लें और सिर पे एक ठंडी लपेट लगा दें। ऐसा ही ठंडा कपड़ा आप पेट पे लगा दें, लपेट ऊपर से कोई गर्म शॉल लपेट दें उसके ऊपर। ये आप तुरंत करें, जब भी आपको लगे इस तरह के सिम्टम मेरी बॉडी के अंदर है, तुरंत आपने सफाई कर डालनी है। स्टमक क्लींजिंग, चेस्ट क्लींजिंग, ऊपर से नोस्टल क्लींजिंग जलनेती, रबड़ नेती के द्वारा, और नाक में बादाम रोगन अणु तेल या सरसों का तेल 2-4 बूंद आप दो दो नाकों में टपका दो। तो ये इतना शॉर्टकट तरीका है, विद इन 3 दिन, 3 दिन से ज्यादा आपका बुखार जुखाम खांसी चल नहीं सकता ये सारा ट्रीटमेंट चलाने के बाद। मैं कहावत हमेशा बोलती हूँ, ज्वर जुखाम और पावना और मंगता चार, 3 दिन करो लंघना फिर ना आवत द्वार। ज्वर है, जुखाम है, खांसी है, 3 दिन की फास्टिंग कर दो और चौथा मंगता है। मांगने वाले जब आते हैं आप उनको भोजन नहीं देते हो तो 1-2 दिन बाद समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ मिलता नहीं है, चलो वापस। ऐसे ही हमारे शरीर में जब भी तीव्र रोग आए, एक्यूट डिजीज आए, तो आप 3 दिन के लिए खाना बंद कर दो, स्टॉप कर दो उसी समय, और 3 दिन में वो सारे रोग भाग जाएंगे। साथ साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को समझ लें कि हमें करना क्या है। बॉडी को अंदर से साफ करना है, आधा घंटा धूप लगानी है। ये धूप की कमी आजकल बहुत लोगों में चल रही है क्योंकि धूप में जाना पसंद ही नहीं है, हम तो काले हो जाएंगे। तो ये धूप में बैठें, सुबह थोड़ा अनुलोम विलोम करें, प्राणायाम करें और खाने में फलाहार रसाहार के ऊपर रहें। 3 दिन में आपका हर तरह का जुकाम, वायरस, फ्लू चला जाता है। नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, ये पूरे दिन भर में जब भी आपको भूख लगे तो लेते रहें। लिक्विड डाइट फॉलो करें और प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करें। बहुत सिंपल है इसको ठीक करना, आप घर बैठे ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई नज़दीक में प्राकृतिक चिकित्सालय है तो अच्छा है, मौका मिल रहा है आपको डिटॉक्स करने का। साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं भी करते रहें और अपनी डाइट को भी ठीक कर लें तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल दवाइयाँ, स्टेरॉयड तक लोग लेने लग गए कि ये तो चेस्ट में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, इसके लिए तो अभी आपको स्टेरॉयड लेना पड़ेगा। और फिर वो प्राण घातक तब होता है जब हम स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ खाते हैं फ्लू के लिए, जुकाम खांसी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। प्रॉब्लम को हम बढ़ती नहीं है, बढ़ाया जा रहा है। आज हमें बोलते हुए भी बड़ा डर लगने लग गया क्योंकि पूरे के पूरे चैनल डिलीट होने लग गए ये बोलने पे कि कोई रोग ठीक होता है। एपिलेप्सी के रोगी हैं, बीपी शुगर के रोगी हैं, थायराइड के रोगी हैं,
किसी भी तरह का रोग असाध्य नहीं होता, उसको असाध्य बनाया जाता है। 10 10 20 20 साल से जब हम कंटिन्यू दवाइयां खा रहे हैं और वो रोग आपका ठीक नहीं हो रहा, तो समझ जाना चाहिए कि दवाइयों के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। दे कैन मेंटेन द डिजीज, नॉट क्योर। क्योर वर्ड एलोपैथी के अंदर है ही नहीं। वो कहते हैं हम सिर्फ रोग को कंट्रोल करते हैं। आज दवाई खा लिया, आज बीपी ठीक आ गया, आज दवाई खा लिया, आज शुगर ठीक आ गया। वो आना नहीं हुआ, वो तो रोग को दबाना हो गया कि चोर ऑलरेडी अंदर है, आपने दवाई के रूप में डाकू और भेज दिया। पता चलता है 10 20 साल खाते खाते दवाइयों का दूसरा अंग हमारा डैमेज हो गया पूरी तरह से। यही हो रहा है, हार्ट के लिए दवाई खा रहे हैं, किडनी खराब हो रही है। लीवर के लिए दवाई खा रहे हैं तो हमारा पैनक्रियास डैमेज हो रहा है। इधर थायराइड के लिए दवाइयां खाई तो किडनी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया, तो ये जो हम जितना भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी भी रोग को ठीक करने के लिए, तो ये रोग ज्यादा ये ट्रीटमेंट ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बजाय रोग के। तो आप जब प्राकृतिक के पास जाएंगे, प्राकृतिक सिद्धांतों को समझेंगे, ये बहुत सीधा है, सरल है। प्राकृतिक चिकित्सा को हर व्यक्ति सीख सकता है, हर व्यक्ति प्राकृतिक चिकित्सक बन सकता है और मिट्टी पानी धूप हवा आकाश से घर बैठे ट्रीटमेंट कर सकता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा हमें नॉलेज लेनी होगी, थोड़ा ज्ञान बढ़ाना होगा कि मिट्टी कैसे वर्क करती है, पानी कैसे शरीर को ठीक करता है, धूप कैसे हमारी बॉडी को ठीक करती है। ये अपने आप में एक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको 7 दिन का समय अपनी लाइफ में कभी भी निकाल करके किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर में जरूर जाना चाहिए। विजेता जी, अक्सर जब जुकाम हो जाता है तो कहा जाता है कि आपको खट्टा नहीं खाना है, तो क्या ऐसे में खट्टा खाना बंद कर देना चाहिए? वंदना जी, विटामिन सी ही जुकाम की दवाई है। खांसी जुकाम जब तक नहीं जाएगा जब तक विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। हम इसमें सिट्रिक एसिड फ्रूट खाने के लिए और उसका जूस पीने के लिए भरपूर कहते हैं, कोई मनाही नहीं होती है किसी भी तरह की। सबसे पहला काम जुखाम खांसी बुखार आते ही यही करना है कि आपको पूरे दिन भर नींबू डाल डाल करके पानी पीना है। 1 ग्लास पानी गुनगुना लिया और उसमें आधा नींबू निचोड़ के दिन में 5 से 6 बार पीना। ये जो नींबू पानी पियेंगे इससे हर तरह का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा और आपका जुखाम शाम तक धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा और विद इन 3 से 4 दिन पूरी तरह से आप ठीक हो जाएंगे। नींबू पानी पिए, आंवला डाल करके पानी पिए, 1 आंवले को कद्दूकस किया, उसका रस निकाला, पानी में डाला, थोड़ा हनी डाल दिया वीकनेस है तो, और उसको आप पीते रहे। ये पूरा दिन भर आपको प्रोसीजर चलाना है। जब खांसी हो और वो बहुत ज्यादा टाइम तक चले तब क्या करना चाहिए? खांसी के लिए वैसे तो हम यहाँ पे एक कांटा होता है जिसको हमारे घरों के आसपास उगा हुआ होता है, खड़े हुए कांटे होते हैं, इसको भून करके एक दवाई बनाई जाती है। आप अपने तवे के ऊपर उसको भून लें और उसकी जो राख है उसको शहद में मिला करके चाटे, कितनी भी क्रॉनिक खांसी है आपको वो ठीक हो जाती है। अपामार का कांटा किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत लाभदायक है। करना क्या है, इसको आप तवे पर जला लें और इसकी भस्म बना लें। इसका आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार 1 1 चम्मच शहद के साथ मिला करके चटा दें। कितनी भी पुरानी कितनी भी ज़्यादा खांसी हो बहुत तेज़ी से रिजल्ट आता है इसका। और हर तरह की खांसी के ऊपर, बलगम वाली, सूखी खांसी, हर तरह की खांसी में ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है। अदरक का प्रयोग करें, हर समय मुंह में अदरक चूसते रहें तो ये मुंह में अदरक चूसना बहुत विशेष लाभदायक है। और दूसरी क्रिया है कुंजल क्रिया, जग भर के पानी का पीना है और उसको वॉमिट करना है, जिससे कि हमारा पूरा ये जो भोजन नली है, श्वास नली है, चेस्ट है, हमारा आमाशय है, पूरी तरह से कफ से मुक्त हो जाए और सारा कफ बाहर निकल जाए। तो पूरा एक दिन अगर आप कुंजल कर सकते हैं सुबह से शाम तक, तो आप एक दिन 5 बार कुंजल करें पूरे दिन भर में और पानी पीते रहें, नींबू डाल डाल करके पानी पीते रहें, शाम तक इतना डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, इतना कफ अंदर से निकल चुका होगा कि बॉडी के अंदर लाइट फील होगा, आपको काफी राहत मिल जाएगी। जो आपने खड़ा कांटा बताया, क्या उसका कोई और नाम भी है? अपामार का कांटा किसी भी तरह की पुरानी से पुरानी खांसी में बहुत लाभदायक है। करना क्या है, इसको आप तवे पर जला लें और इसकी भस्म बना लें। इसका आधा चम्मच चूर्ण दिन में 3 बार 1 1 चम्मच शहद के साथ मिला करके चटा दें। कितनी भी पुरानी कितनी भी ज़्यादा खांसी हो बहुत तेज़ी से रिजल्ट आता है इसका। और हर तरह की खांसी के ऊपर, बलगम वाली, सूखी खांसी, हर तरह की खांसी में ये बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है।
अगर किसी को बुखार आ जाए उस वक्त तुरंत क्या करना चाहिए? बुखार के समय में प्राकृतिक चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। बुखार में हम स्पंज बाथ करते हैं, गीला टॉवल लिया और जब भी ऐसा लगे कि तेज बुखार हो रहा है तुरंत पूरे शरीर को स्पंज कर दो। बस्ती क्रिया, कुंजल क्रिया साथ में आपको करना ही है। हर तीव्र रोग के अंदर अंदर से क्लींजिंग करनी ही है, एनीमा करके, कुंजल करके सफाई करनी है। सिर के ऊपर ठंडा लपेट जरूर लगा करके रखें क्योंकि बुखार सिर में जाता है, सिर में दर्द होता है, तो सिर को हर समय ठंडा रखना है बुखार के समय में। और जैसा मैंने बताया 3 दिन की डाइट है आपकी, 3 दिन आपको लिक्विड डाइट पे रहना है। 1 दिन वाटर फास्ट, अगले दिन जूस फास्ट या नारियल पानी, नींबू पानी, शहद पे आप रह सकते हैं। तो ये 2 दिन जूस फास्ट और फर्स्ट डे बिल्कुल प्लेन वाटर फास्ट। 3 दिन अगर आपने फास्टिंग कर ली साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक विधि से, उसमें पेट पे लपेट लगानी है ठंडी, गर्दन पे लपेट लगानी है, सिर के ऊपर लपेट लगानी है और स्पंज करना है दिन में 2-3 बार पूरी बॉडी को, बस्ती कुंजल करना है और नींबू डाल डाल करके पूरे दिन भर पानी पीते रहना है। ये प्रयोग है छोटे छोटे, इनको आप करेंगे तो 3 दिन से ज्यादा बुखार आपको टिकेगा ही नहीं। किसी भी टाइप का वायरस हो वो इस क्रिया को करने से खत्म हो जाता है? बिल्कुल वंदना जी, हमारे अंदर वायरस इन्फेक्शन तभी बैठेगा जब अंदर गंदा मिलेगा। तो आप सफाई कर डालो, सफाई करना आसान है, बजाय बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए हम स्ट्रॉन्ग केमिकल खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं कि इससे ये बैक्टीरिया वायरस मर जाएगा, लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस मरेगा नहीं मरेगा, लेकिन आपकी इम्यूनिटी जरूर वीक हो जाएगी उन दवाइयों की वजह से, आप जीवन भर के लिए रोगी हो जाएंगे। पिछली बार जो कोरोना आया था उसका इफेक्ट अब तक भुगत रहे हैं लोग जिन्होंने भी स्ट्रॉन्ग दवाइयां खाई है। अब ये गलतियां दोबारा ना दोहराएं, अपने घर में तुलसी, अदरक, गिलोय, इसका काढ़ा पिए, नीम के पत्ते उबाल ले, तुलसी के पत्ते उबाल ले, नेचुरल चाय बना करके इनका ले। गिलोय का प्रयोग जुखाम खांसी में हर चीज में बहुत अच्छा है, तो जरूर करें और आप ठीक हो जाएंगे घर में प्रयोग करके। साथ थोड़ा प्राकृतिक चिकित्सा की अगर क्रियाओं का ज्ञान होगा तो और जल्दी रिकवरी हो जाती है। विजयता जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, उम्मीद है हमारे दर्शक लाभ जरूर उठाएंगे। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।